हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार पोकेमोन के बारे में। सबसे पहले गाइस, उस पोकेमोन को आप देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पोकेमोन सच में बहुत शानदार है। सो गाइस, आज इस पोकेमोन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। उसके पीछे कुछ रीजन है गाइस। इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट मूव सेट और इसके लेगेसी अटैक कैसे मिल सकते हैं आपको बिना किसी एलाइट चार्ज टीम के यूज़ किए बिना गाइस। और सबसे मेन चीज़ आ रही गाइस, इसका 100% शाइनी मिलने का आपको मेथड बताऊंगा। सो गाइस, ये वीडियो बनाने के पीछे एक चीज़ बता दूंगा गाइस, ये वीडियो शायद आगे जाके मतलब जो मैं बातें बोलूँ ऐसे काम ना करें, बट मैक्सिमम 90% चांस है गाइस काम करने का। तो गाइस, हुआ ये था कि 2020 में रायहोन का कम्युनिटी डे आया था गाइस, ठीक है। तो आधी बात आप लोग समझ चुके होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग बात बोल दूँ, जिन लोगों को इस पोकेमोन के बारे में नहीं पता है, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए। तो गाइस, करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से गाइस, वीडियो छोटी रखेंगे। तो गाइस देखिए, बात ऐसी कि 2020 में रायहोन का कम्युनिटी डे आया था गाइस। तो जिसके भी कम्युनिटी डे आते हैं वो रिपीट होते हैं गाइस, ठीक है, पहली बात। और जब गाइस रिपीट होगा तो इसके लेगेसी मूव्स भी आएंगे, दूसरी बात। तीसरी बात गाइस ये है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो बात करते हैं गाइस इसके एवोल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले है कि हमें पोकेमोन मिलेगा कैसे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो रायहोन गाइस एक ऐसा पोकेमोन है जो कि मतलब मेरे एरिया में तो बहुत इजीली अवेलेबल है, बट आप लोगों के एरिया में शायद अवेलेबल ना हो। पर रायहोन एक ऐसा पोकेमोन है जो कि हर इवेंट में काफ़ी आता है। इसी साल रायहोन इतना आ चुका है कि मैं पकड़ के मतलब आप खुद देखो, मैंने कम्युनिटी डे पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि मैंने गेम फरवरी में डाउनलोड किया था और मार्च में खेलना शुरू किया था। तो मार्च में शायद से कोई भी कम्युनिटी डे नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, रायहोन को देख ली गाइस, मेरे पास 280 कैंडीज हैं। 280 कैंडीज मतलब समझ रहे हो कि मैंने रायहोन पकड़ा है, उसको रिपेरियर बना दिया है और उसके बाद एक और रायडोन भी है। और मैंने कितने बनाए होंगे रायडोन, क्योंकि मुझे उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी, उसके बाद भी 280 कैंडीज हैं। तो आप समझ सकते हो कि पोकेमोन वाइल्ड में कितना इजीली अवेलेबल है। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, इस पोकेमोन को अगर आपने पकड़ लिया और कोई आसपास कम्युनिटी डे नहीं और किस्मत से आपको एक अच्छी आईवी का मिल भी गया, तो उसको आप पावर अप कैसे करेंगे। द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा था गाइस। तो पावर अप करने का एक ही मेथड है जो कि आपको आई बटन पे इजीली अवेलेबल है। चेक द आई बटन फॉर पावर अप और फॉर इवॉल्विंग ईजिली गाइज। उसके बाद गाइज बात करते हैं हम लोग फटाफट से इसके बेस्ट मूव सेट के बारे में। अगर हम लोग दोबारा से रिपीटर पर चलते हैं गाइज, तो यहाँ पर आप जो देखेंगे यार वो ये सीन है, मड स्लैप और स्टोन एज। तो ये इसका बेस्ट मूव सेट तो नहीं है, बट मेरे पास, मैं इस पर चार्ज टीम यूज़ करना नहीं चाहता था और ये मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि ये मेरे काम आ गया था। तो गाइज बेस्ट मूव सेट की बात करते हैं, तो बेस्ट मूव सेट का गाइज ये है, मड स्लैप तो बहुत सही है, बट मड स्लैप के बाद गाइज आता है रॉक ब्रेकर। तो रॉक ब्रेकर जो एक ऐसा अटैक है गाइज, ये आपको मिलेगा कम्युनिटी डे जो कि दिसंबर में 2020 में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और आना भी चाहिए। दूसरा मेथड गाइज इसका ये है एलाइट चार्ज टीएम। तो एलाइट चार्ज टीएम यूज़ करने से भी मिल सकता है। उसके बाद गाइज तीसरा जो इसका बेस्ट मूव सेट है वो है सर्फ। तो गाइज सर्फ एक काफ़ी मतलब अजीब सा अटैक है यार, क्योंकि यार ग्राउंड एंड रॉक टाइप पोकेमोन पानी निकाल रहा है यार। सो गाइज ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। कौन सी लीग में सबसे बढ़िया पोकेमोन है गाइज, तो आप लोग कमेंट करना जिनको पता है कि ये पोकेमोन कौन सी लीग में कमर तोड़ सकता है। तो कर दिया होगा कमेंट तुम लोगों, नहीं किया तो करो जल्दी जाके गाइज। सो गाइज ये मास्टर लीग प्रीमियर कप में वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन में आते हैं गाइज, क्योंकि भैया जो मेटाक्रोस की वजह से ये पोकेमोन काफ़ी ऊपर है, क्योंकि मेटाक्रोस को पेलने के लिए पोकेमोन की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नासोन को मारने के लिए इस पोकेमोन को ज़रूरत पड़ती है और ऐसे ही बहुत सारे पोकेमोन हैं, चाहे आपका फिर वो गिराटिना नहीं ड्रैगनाइट हो या फ्लाइंग टाइप कोई पोकेमोन हो, उसके लिए भी रॉक ब्रेकर तहलका है। गैराडोस को भी रॉक ब्रेकर पड़ जाए तो मतलब दिक्कत होती है गाइस। तो मेटाक्रोस, टोकिस, मैग्नासोन, स्नोरलैक्स, एक्सकैड्रिल जो भी पोकेमोन है सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा गाइस। तो इसको आपको करना क्या है, समझ गए ना गाइस, पूरी वीडियो आपको समझ आ गई क्या करना है, वेट करो कैसे पकड़ना है, क्या इसके बेस्ट मूव सेट है, सब कुछ कवर कर लिया है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल और लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस।